हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस तमिल थलाइवास। तमिल थलाइवास अपने होम मैच पर जीत के लिए भूखी और नरेंद्र कंडोला ओ क्या बेहतरीन फुटबॉल, ये कुछ साबित करना चाहते हैं यहाँ पर। कुछ शुरुआत से ही आके वो बेहतर फुटवर्क, फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, भले ही बाहर गए हो आज के मुकाबले में कुछ साबित करने के लिए उतरे हैं। कोडाई में 70% इनका रेट, स्ट्राइक रेट रहता है, लेकिन इस वक्त तमिल थलाइवास के डिफेंस ने क्या काम किया है या नहीं। 2 points तमिल थलाइवास, 1 point हरियाणा स्टीलर्स। टैकल हो चुका है दोस्त, लेकिन नरेंद्र को अब नरेंद्र पर काम करने की जरूरत है और सागर पर भी। तमिल थलाइवास के स्टार रेडर है, डिफेंस में भी अपना काम करते हैं और लेकर गए हैं एक और पॉइंट। अजीम के पवार का पवार फुल रेड, नंबर 88 आउट। एक बार फिर क्या सुपर टैकल की सिचुएशन बनेगी? नहीं, विनय ने एक बेहतरीन रेड लगाई है यहाँ, सबसे बढ़िया रेडर विनय। 3 minutes to 5 points हरियाणा स्टीलर्स, 3 points उनके नाम। यू एंड रिव्यू पॉइंट जो कि इस वक्त यहां पर नहीं है और फर्क नहीं पड़ता हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंडर्स को, फर्क नहीं पड़ता 3 हो या 4। इस मैच के अंदर 8 points हरियाणा स्टीलर्स के नाम और केवल 4 तमिल थलाइवास के नाम। डिफेंडर ने खुद का बलिदान कर दिया। रेडर्स बैक टू बैक पॉइंट्स ले रहे हैं दोनों ही टीमों के, हरियाणा के रेडर्स, तमिल थलाइवास के रेडर्स। बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिखे, बहुत ज्यादा प्रभावित किया इस रेडर ने और ये रनिंग हैंड टच और एक स्पेशल टैकल देखने को मिला है यहाँ। स्पेशल टैकल राहुल तेजपाल, जलवा दिखा रहे हैं अपना लॉफ सुपर टैकल। इंतजार कीजिए अजिंक्य के पवार के धड़कने का, यहाँ सुपर टैकल की सिचुएशन है और उनके खिलाड़ियों से जब जब बातें करें तो आपको मालूम पड़ता है कि यहां रॉ सुपर टैकल हो गया, यानी कि एक और सुपर टैकल एक के बाद एक। अशोक कुमार साहब के पास अनंत समस्याएं हैं इस समय पर, खिलवा करके देख लिया है, एक्सपोजर देख करके देख लिया है और यहां पर रॉ सुपर टैकल एक और कामयाब। हरियाणा स्टीलर्स वो पिछला मुकाबला 1 point से हारने के बाद क्या कमाल का कमबैक किया है उन्होंने।